हाय स्टूडेंट्स, एमएस ट्यूटोरियल बालासोर में आप सबको स्वागत है। मैं आशीष कुमार पढ़ियारी आज आप लोग के लिए एक ऐसे चीज में टाइम एडवाइज कर ले आया हूँ जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वाइटल चीज है वही चैप्टर का। कोई भी एग्जाम देने के लिए चले जाओ, ये प्रॉब्लम आप लोगों को वेटेज वाले एग्जाम, मतलब जो एग्जाम में मतलब वही पोस्ट के लिए सैलरी ज्यादा है वो एग्जाम में वो जरूर रहता है, वो वाला प्रॉब्लम वही है। तो क्या करेंगे आज, वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा ये वाला चीज वीडियो ठीक है स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। मैं वो चीज को मैं दो मेथड में सॉल्व करूंगा, जरूर देखना पहले कैसे होगा और अंत में कैसे होगा। देखिए पहले जो होगा वो बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन बाद में जो होगा वो भी लॉजिकल है लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो इसी मेथड में हम क्या करेंगे, ये चीज को सॉल्व करेंगे। तो वो वाला वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना, और आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करना और शेयर करना, और ठीक है वो चाहेंगे तो आगे जो वीडियो आएगा वो सारे चीज को देखने के लिए तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। ठीक है शुरू करेंगे वो वाला प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन है क्या, सिक्स मेन एंड एट बॉयज can do a work in 10 days. 26 men and 48 boys finish it in 2 days. 15 men and 20 boys will finish it in how many days? देखो यहाँ पे वो वाला जो काम है, यहाँ पे men है और उसके साथ boys है, ठीक है। ये problem को देखो मैं कैसे solve कर रहा हूं। पहले देखो वो क्या बोल रहे हैं, पहले वाला केस में बोल रहे कि 6 मेन और उसके साथ क्या है 8 बॉयज, दोनों मिलकर 10 दिन काम करने के बाद ये काम खत्म हो गया। उसको क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्मेट को हम कन्वर्ट करेंगे। देखो ये क्या होगा उनका इक्वेशन, ये होगा उनका डेली वेजेस का मेथड में हम इक्वेशन निकालेंगे, जैसे पिछले वाला वीडियो में हम लोग किया उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है जो लोग ने नहीं देखा। तो देखो वो इक्वेशन कितना होगा, 1/n * 6 प्लस ये कितना होगा 1 by b into 8, उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू हो गया। तो दूसरा वाला चीज देखो 40 उसके बाद क्या बोले, 26 men and 48 boys can finish it in 2 days, उसके बाद देखो 26 men हो गया, उसके बाद कितना है 48 boys, ठीक है वो कितना दिन, 2 दिन काम करने के बाद ये काम खत्म। देखो उसको क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्मेट को कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना होगा, ये होगा 26 डिवाइड बाय n प्लस 48 डिवाइड बाय b इनटू 2 इज इक्वल टू r हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन जो चीज है उनका देखो, ये यहां पे 1 है यहां पे 1 है, तो उनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल होगा तो मैं उसको कैसे लिखूं, देखो 6 by m plus 8 by b is equal to कितना होगा 26 by m plus 48 divided by b हो गया। देखो यहां पे कितना है वो वाला चीज में 10 है, तो यहां पे कितना है 2 है, तो वही चीज दोनों को मैंने कॉपी कर लिया, उसको काटो, काटने के बाद ये कितना है 5। देखो वो चीज को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं, उसको काट दिया ये हो गया 30, ये हो गया 40, बीच में इक्वल वाला सिंबल दे दो हो गया, ये 30 बाई एम ये 26 बाई एम, इसी साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 4 बाई एम, तो यहां पे कितना है 48 बाई बी ये 40 बी, यहां कितना आएगा 8 बाई बी हो गया। फिर क्या करो वो वाला चीज को काटने के लिए कोशिश करना, ठीक है तो काटने के लिए कोशिश करना, देखो ये कितना होगा यहां पे 2 होगा, कट गया ये हो गया, तो उसको काटो, काटने के बाद कितना होगा ये होगा 2, तो मेरे को कितना मिला b by m is equal to 2 by 1, मान लो ये क्या कर रहा है 2x दिन, ये कितना कर रहा है x दिन, तो यहां से वैल्यू ऐसे हो गया b is equal to 2x और m is equal to कितना है x, ठीक है अब तक सही मिल गया। तो अभी क्या करेंगे देखेंगे अंतिम पार्ट, मांग रहा है 15 men and 20 boys will finish it in how many days?
तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है, क्या है 15 मेन एंड उसके साथ कितना है 20 बॉयज, ठीक है विल फिनिश। मान लो वो लोग अल्फा दिन काम करने के बाद ये काम खत्म हो गया, अभी मेरे को मांग रहा है ये अल्फा का वैल्यू है क्या, देखो उसको इक्वेशन फॉर्मेट को कन्वर्ट करो, ये कितना होगा 15 बाई एन, ये कितना होगा 20 बी बाई बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू वन, हो गया। अभी क्या करेंगे, देखो मेरे को अल्फा का वैल्यू निकालना है तो वो वाला वैल्यू को मैं कैसे निकालू, एम और बी का वैल्यू मेरे को मिल जाए तो मैं क्या करूं आसानी के साथ अल्फा का वैल्यू क्या करूं निकाल दूं, वो दो चीज को निकालने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, एक ऊपर वाला इक्वेशन का हेल्प मेरे को लेना पड़ेगा। देखो तो एम का वैल्यू निकालना है तो एक्स का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है तो यहां पे 2x का वैल्यू निकालना है, तो ये हर जगह पे मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो ये x का वैल्यू कैसे निकालो, तो कोई एक इक्वेशन का हेल्प ले लूं और m के जगह में x पुट कर दूं और b के जगह में 2x पुट कर दूं। देखो यहां पे m कितना है x पुट कर दो, b के जगह में कितना 2x पुट कर दो, ठीक है हो गया। तो उसके बाद देखो तो ये कितना होगा, ये उसके साथ कट जाएगा, होगा कितना 4, ठीक है। तो वाला इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो नीचे होगा x, ऊपर होगा ये 6 ये 4 हो गया 10, तो हुआ कितना ओ वाला चीज हुआ 10 इंटू 10 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू कितना हो गया 100, ठीक है x का वैल्यू 100 हो गया, तो यहां पे डाल दो 100, यहां पे डाल दो 100, तो ये b इज इक्वल टू कितना हुआ 200, ये कितना हुआ 100, ठीक है मिल गया। तो b का वैल्यू हुआ ये और m का वैल्यू हुआ, ठीक है वही वाला इक्वेशन में ओ वाला वैल्यू को डाल दो, तो m के जगह में डालो, m का जगह में वैल्यू कितना डालू 100 डाल दू, तो यहां पे 100 डाल दिया, b के जगह में कितना डाल दू 200 डाल दू, 200 डाल दिया। डालने के बाद देखो वाला प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, देखो कैसे सॉल्व करूंगा, ये दोनों को इक्वल करने के लिए नीचे वाला चीज को कोशिश करो, ये 200 है 100 है, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करो, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करो, हो गया। तो नीचे कितना हुआ 200, ऊपर कितना हुआ ये हुआ 30, ये हुआ 20, ठीक है। तो ये अभी कितना होगा, ये होगा 50 डिवाइड बाई 200 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1, उसको काटो ये होगा 4, तो अल्फा डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1/1, तो अल्फा इज इक्वल टू 4, हो गया इक्वेशन। देखो यहां पे क्या हो गया, क्वेश्चन के मुताबिक जो ऑप्शन में 4 है वही है सही आंसर, मैंने क्या किया वो वाला चीज को कैसे निकाला आप लोगों को पता चल गया। देखो ये है ट्रेडिशनल मेथड, ये है मेथड, इसी मेथड में हम क्या करेंगे हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे आसानी के साथ। देखो ये थोड़ा मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना चाहिए, तो इसी मेथड में मैंने क्या क्या सॉल्व कर दिया। आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो इतना टाइम नहीं लेगा, मैं क्या करूं 2-3 लाइन के अंदर ये वाला चीज क्या होगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला मेथड तो पता चल गया, लेकिन वो इसी तरह का क्वेश्चन डालता है एग्जाम में, वो एक ट्रिक के साथ डालता है। देखो वही वाला मेथड में मैं क्या करूं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूं, ये मेथड तो आप लोग को पता चल गया। देखो वही मेथड में मैं सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, देखो देखो ये मेथड क्या है, पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, यहां पे दिया हुआ है 6 men और 8 boy एक काम करेंगे तो वो वाला काम कितना दिन में खत्म होगा 10 दिन में। उसके बाद दिया हुआ है 26 men and कितना है 48 boys, वो वाला काम को कितना दिन में कर रहा है 2 दिन में कर रहा है। यहां पे मांग रहा है क्या है 15 men और 20 बॉयज, ओ वाला काम तो करेंगे तो वो काम कितना दिन में खत्म होगा, मान लो ओ वाला काम एक दिन में खत्म होगा। देखो इसी तरह का प्रॉब्लम एक बार आ गया तो आप लोगों को एक बात सोचना चाहिए, ये जो है फाइनल डेस्टिनेशन वाला इक्वेशन, ठीक है वही इक्वेशन को कोई एक इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के लिए कोशिश करना और देखना चाहिए कौन सा इक्वेशन के साथ वो मैच हो रहा है, कौन सा पार्ट वही वाला पार्ट। देखो ये कोई एक इक्वेशन का एक
कितना ना कितना पार्ट जरूर होगा, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 15 m है, ये 20 क्या है, बी है, ठीक है। ओ हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन को एक यहाँ पे ही, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, कोई एक इक्वेशन के साथ पहले हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा, देखो कौन सा इक्वेशन के साथ ये डायरेक्ट एक रिलेशनशिप में है, एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जरूर होगा, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे देखो ये दूसरा वाला इक्वेशन 26m 48 boys, ये 20 और 15 के साथ कोई भी रिलेशनशिप है ही नहीं, लेकिन ऊपर वाला देखो ये 6m and 8b, तो यहाँ पे देखो ये 6 जो है ये 15 देगा, ये कितना उनका ढाई गुण, 6 का ढाई गुण कितना है, ये 6 का ढाई गुण कितना है, ये है 15, 2.5 times, ये क्या है 15, लेकिन ये 8 का ढाई गुण कितना है, वो भी है 20, ठीक है, हो गया, पता चल गया, ठीक है, ढाई गुण। तो वही वाले इक्वेशन में मैं ढाई मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा, ये डेफिनेटली क्या होगा, वही वाला चीज मेरे को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है बंदा ज्यादा हो जाएंगे तो लूप क्या होगा, बंदा ज्यादा हो जाएंगे तो काम का जो दिन है वो क्या होगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा, तो मैं क्या करूं वही वाला इक्वेशन को डिजाइन करूं, तो 6m + 8b = कितना है, 10 है, ठीक है। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बंदा को ज्यादा कर रहा हूं, कितना ढाई टाइम, तो बंदा को ढाई टाइम ज्यादा करूंगा तो ये काम क्या होगा, ढाई टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, हो गया। तो यहां पे ये कितना हुआ, देखो ये कितना बंदा होगा, यह होगा 15m और ये कितना होगा 20b, तो ये कितना होगा कटने के बाद 4, देखो वो वाला चीज इसके साथ इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे मेरे को मिल गया x का वैल्यू कितना है, तो x = 4। देखो एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन डाल रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, पहले हम लोग को देखना चाहिए ये किसी का, मतलब किसी का कितना टाइम है या नहीं है, हो गया तो वही मेथड में हम चलेंगे, नहीं होगा तो पहले वाला जो मेथड में आप लोगों को बताया था इसी मेथड में चलने के लिए कोशिश करना। लेकिन देखो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम का क्वेश्चन इसी मेथड में, मतलब वही किसी का एक मल्टीपल और इसी मेथड में वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, डाल रहा है, तो आप लोगों को पहले समझ लेना चाहिए इसी मेथड में है या नहीं है, पहले देख लिया वही मेथड में है डायरेक्ट सॉल्व करना, और नहीं है तो क्या करना चाहिए, पहले जो मेथड में आप लोगों मैंने बोल दिया वही मेथड में सॉल्व करने की कोशिश करना। ये वाला वीडियो आपका बहुत काम में आएगा, उसको सीखने के लिए कोशिश करना और टाइम बचाना, लेकिन ये आपका जिंदगी का जो वे है ना, ये बिल्कुल क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। आज इतना, अगले दिन मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।